राम राम सभी हरियाणा वासियों को। सोनाली फोगाट की मौत के बाद सोशल मीडिया में दुख की लहर। क्या सोनाली फोगाट की मौत है साजिश? प्रशंसकों ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। नवीन जयहिंद ने ट्वीट कर जताई शंका। भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके भाई वतन ढाका ने मौत की खबर की पुष्टि की। उनकी एक बेटी है, वही सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूतन से गोवा के लिए रवाना हो गया है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ गोवा में थी। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदली थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा है। फतेहाबाद के भूतन खुर्द में ढाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वो अपने टिकटॉक वीडियो से चर्चा में रहती थी। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1969 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। सोनाली का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की। इसके दो साल बाद यानी 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी के लिए काम करने लगी। सोनाली फोगाट 2016 में उस समय चर्चा में आई जब उनके पति संजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उस समय सोनाली बॉम्बे में थी। पति की मौत के बाद सोनाली टूट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। सोनाली पंजाबी और हरियाणवी फिल्म म्यूजिक वीडियोस कर चुकी थी। उन्होंने साल 2019 में फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में काम किया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। बिग बॉस के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके पति के निधन के बाद बहुत से लोगों ने उनका मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश की। उस समय वो काफी अकेली पड़ गई। इसी साल सोनाली को बिग बॉस 14 के घर में जाने का मौका मिला। सोनाली टिकटॉक स्टार के साथ अभिनेत्री थी। इनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम यशोधरा है, जो निजी स्कूल में हॉस्टल में रहती है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं और इस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में सोनाली फोगाट ने अपनी दावेदारी की थी। पिछले दिनों ही सोनाली फोगाट से मिलने कुलदीप बिश्नोई पहुंचे। ये सीट पिछले 55 साल से बिश्नोई के परिवार के ही कब्जे में है। अभी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने यहां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। 2020 में सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आ रही थी। किसान आंदोलन के दौरान सोनाली अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा, कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं, किसानों को बरगलाया गया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि खुले दिल से इन पर चर्चा करे ताकि किसान इन कानूनों का महत्व समझ सके। सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट की मौत की खबर सुनते ही प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ उठी। सोनाली की मौत के साथ एक बड़ा सवाल लोगों के बीच फैल रहा है कि क्या सोनाली की मौत प्राकृतिक तौर पर हुई या कोई सोची समझी साजिश थी। सोनाली की बहन और जेठानी ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए शक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। सोनाली की बहन रुपेश का कहना है कि सोनाली ने खाने में गड़बड़ी होने की बात माँ को बताई थी। कहा था इसका असर उसके शरीर पर पड़ रहा था, इसीलिए परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई है। मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। वो ऐसे कह रही थी
मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। जी हाँ, मैंने कहा अभी तू फार्म पे कब आएगी, कहते 27 तारीख को आएंगे। जी मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी भी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी भी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। हाँ, फिर माँ को ऐसे कहने लगी भी, मेरे को मेरे शरीर के ऊपर गड़बड़ लग रही है, कुछ जैसे कोई और कुछ कर रहा होगा। वही आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं नवीन जयहिंद। आज अभी बड़े ही दुख की खबर मिली है कि सोनाली फोगाट, जो कि एक कलाकार थी, लाखों उनके फैन थे, जो कि एक महिला नेता भी थी, उनकी डेथ हो गई है। तो साथियों, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके समर्थक हैं जो उनको दुख सहने की, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इसके अलावा साथियों, हर आदमी के अंदर उनकी मौत को लेके बहुत बड़ी शंका है। लोग संदिग्ध बता रहे हैं, रहस्यमयी बता रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये अपील करूंगा कि मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज गृहमंत्री जी, उनकी मौत की जांच के तुरंत आदेश दीजिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, या सीबीआई से उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, और उनका जो पोस्टमार्टम है वो एम्स में वीडियोग्राफी के साथ, पूरी टीम के साथ उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये शंका मेरी नहीं, अकेले मेरी नहीं है, ये शंका हरियाणा के लोगों की एक बहुत बड़ी शंका है। सोनाली की मौत की जानकारी मिलते ही भाई वतन ढाका और परिवार के अन्य सदस्य गोवा के लिए रवाना हो गए। कल हरियाणा के हिसार जिले में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।